गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं लेके आया हूँ लिब्रे ऑफिस पर एक कंप्लीट क्लास, जिसमें हम पहले थ्योरी को अच्छे से समझेंगे लिब्रे ऑफिस पर, और उसके बाद में एक पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो देखो, लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पर देखो, यह लिखा हुआ है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी एक ऐसी सॉफ्टवेयर जो आपको मुफ्त में मिलती है। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है, और इसे हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो www.libreoffice.org, यहाँ से हम इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। तो देखो, लिब्रे ऑफिस है वो क्या, एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो सभी प्रकार के GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। देखो, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, देखो लाइनक्स है, यहाँ पे देखो एप्पल मैक OS, ये सारे OS पे काम करता है आपका। तो देखो, लिब्रे ऑफिस को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा 25 जनवरी 2011 को लॉन्च किया गया था। ये आपको डेट भी याद रखनी है, कभी कभी पूछ लेता है। और देखो, किसने लॉन्च किया था इसे, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो देखो, लिब्रे ऑफिस के एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे एप्लीकेशन होते हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस भी एक ऑफिस एप्लीकेशन है, और इसमें भी अलग अलग ऑफिस वर्क के लिए एप्लीकेशन होते हैं। तो देखो, इसमें पहला एप्लीकेशन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, देखो दूसरा है आपका यहाँ लिब्रे ऑफिस कॉल, देखो अगला है यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, देखो अगला है लिब्रे ऑफिस बेस, देखो अगला है यहाँ पे लिब्रे ऑफिस ड्रॉ होता है, और एक यहाँ पे लिब्रे ऑफिस मैथ होता है। तो देखो, जो लिब्रे ऑफिस राइटर है वो आपका MS वर्ड की तरह होता है, लिब्रे ऑफिस कॉल का आपका जो है एक्सेल की तरह होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपका पावर पॉइंट की तरह होता है, और जो लिब्रे ऑफिस बेस है आपका, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह होता है। देखो, जो लिब्रे ऑफिस ड्रॉ है ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन की तरह नहीं है, ये आपका MS पेंट की तरह होता है इसमें। और लिब्रे ऑफिस मैथ, ये जो है मैथमेटिकल वर्क के लिए होता है, कैलकुलेटर की तरह। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस VS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी दोनों में जो एप्लीकेशन है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो, इधर यहाँ लिब्रे ऑफिस के एप्लीकेशन लिखे हैं ये वाले, और इस साइड में देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन लिखे गए हैं। तो देखो, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड होता है, उसी तरह का ऑफिस वर्क करने के लिए हमारे पास लिब्रे ऑफिस में एप्लीकेशन होता है, उसे हम कहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी MS वर्ड को हम लिब्रे ऑफिस में राइटर कहते हैं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल होता है डेटा एंट्री के कार्य के लिए, ऐसा ही एप्लीकेशन डेटा एंट्री के कार्य के लिए लिब्रे ऑफिस में लिब्रे कॉल को होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक्सेल को हम लिब्रे ऑफिस में कॉल कहते हैं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट होता है,
ऐसे ही देखो, लिब्रे ऑफिस में आपका प्रेजेंटेशन वर्क के लिए यहाँ पे इम्प्रेस होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा पावर पॉइंट होता है एमएस ऑफिस में, उसको हम लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस कहते हैं, और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेज होती है उसको हम लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस बेस कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन का नाम दे करके लिब्रे ऑफिस के एप्लीकेशन का नाम पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है कि एमएस वर्ड को लिब्रे ऑफिस में क्या कहते हैं, तो राइटर कहते हैं। देखो एक्सेल को हम कॉल कहते हैं यहाँ पे, पावर पॉइंट को हम इम्प्रेस कहते हैं, और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेज है इसको हम लिब्रे ऑफिस में बेस कहते हैं। तो ये तो इसके एप्लीकेशन हो गए। अब देखो हम इसके फाइल एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। तो देखो हर एप्लीकेशन का अपना एक फाइल फॉर्मेट होता है, और जिस एप्लीकेशन में आप कोई फाइल क्रिएट करते हो वो उसी एप्लीकेशन में ओपन की जा सकती है। जैसे एमएस वर्ड की फाइल है आप एक्सेल में ओपन नहीं कर सकते, जैसे पावर पॉइंट की फाइल आप जो है एमएस वर्ड में ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब के फाइल फॉर्मेट अलग होते हैं। तो जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उनके जो फाइल फॉर्मेट है उन्हीं को हम कहते हैं फाइल एक्सटेंशन। तो देखो लिब्रे ऑफिस के जो एप्लीकेशन है उनके फाइल एक्सटेंशन यहाँ लिखे हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं अच्छे से। तो देखो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन है वो होता है .odt, यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगर देखो यही हमारा एमएस वर्ड की बात करें तो देखो एमएस वर्ड में फाइल फॉर्मेट होता है, इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो होता है .doc, ये वाला होता है। देखो .doc ये एमएस वर्ड का है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है होता है .odt, यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ऐसे देखो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसका आपका फाइल एक्सटेंशन होता है .xls, xls, और देखो इसी की जगह पे यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है लिब्रे ऑफिस में कॉल के एक्सेल की जगह पे उसका यहाँ फाइल एक्सटेंशन है .ods, यानी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। देखो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस किसकी जगह पे हम यूज होता है इसमें, पावर पॉइंट की जगह पे, और पावर पॉइंट का जो है हमारे पास फाइल एक्सटेंशन होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में .ppt, क्या होता है .ppt, ये आपका फाइल एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट का। लेकिन यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस का जो फाइल एक्सटेंशन है वो होता है .odp, यानी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। देखो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है पावर पॉइंट की जगह पे, और इसका फाइल एक्सटेंशन है .odp। देखो लिब्रे ऑफिस बेस ये आपका एक्सचेंज की जगह यूज होता है, और इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .odp, यानी ओपन डॉक्यूमेंट डेटाबेस, ये डेटाबेस के लिए यूज होता है। देखो लिब्रे ऑफिस ड्रॉ ये पेंटिंग के लिए यूज होता है, और इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो .odg, यानी लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में जो पेंट है उसका फाइल एक्सटेंशन .odg, ओपन डॉक्यूमेंट ड्राइंग, ये ड्राइंग के लिए यूज होता है। और लिब्रे ऑफिस मैथ इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .odf,
यानी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मूला, ये पूरे नाम भी आप इनके याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। तो देखो लिब्रे ऑफिस में जो एप्लीकेशन है, देखो राइटर का पहला एक्सटेंशन .odt होता है, कॉल का पहला एक्सटेंशन .ods होता है, देखो इम्प्रेस का पहला एक्सटेंशन .odp होता है, और जो बेस है उसका पहला एक्सटेंशन .odb होता है। यहाँ पे देखो लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में पहला एक्सटेंशन आपका .odg होता है, और देखो जो लिब्रे ऑफिस मैथ एप्लीकेशन है इसका पहला एक्सटेंशन .odf होता है। तो ये ध्यान रखना, देखो राइटर का ODT है, कॉल का ODS है, इम्प्रेस का ODP है, बेस का ODB है, देखो ड्रॉ का ODG है, और मैथ का ODF है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखो हम यहाँ देखते हैं लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट की, यानी हमारे एग्जाम में शॉर्टकट की भी काफ़ी पूछी जाती है, तो हम सारी शॉर्ट की देख लेते हैं जो लिब्रे ऑफिस में यूज होती है। तो देखो सेलेक्ट ऑल के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल ए, देखो बोल्ड के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल बी, देखो कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी का यूज करते हैं, देखो फॉन्ट के लिए कंट्रोल डी यूज करते हैं शॉर्ट की के रूप में, देखो सेंटर में करने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल ई का यूज करते हैं, देखो फाइंड के लिए कंट्रोल एफ शॉर्ट की यूज होती है, और गो टू के लिए हम कंट्रोल जी का यूज करते हैं। देखो कंट्रोल एच यूज करते हैं हम रिप्लेस के लिए, इटैलिक के लिए हम कंट्रोल आई यूज करते हैं, यहाँ पर देखो जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे यूज करते हैं। देखो ये याद रखना, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो देखो कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए, देखो हाइपरलिंक बनाने के लिए हम कंट्रोल के का यूज करते हैं, देखो ये एलिगन के लिए शॉर्ट की है, देखो एलिगन लेफ्ट और राइट दो तरीके से होता है, तो एलिगन लेफ्ट के लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल एल इसमें, और एलिगन राइट के लिए यूज करते हैं हम कंट्रोल आर। देखो जब भी कोई फाइल या डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है हमें, तो इसके लिए हम कंट्रोल ओ यूज करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो देखो प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट ओ का यूज करते हैं, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्ट की का काम करेगी। प्रिंट के लिए देखो हम कंट्रोल पी का यूज करते हैं। देखो जब भी हमें एग्जिट करना होता है लिब्रे ऑफिस के किसी एप्लीकेशन से, तो हम कंट्रोल क्यू का यूज करते हैं यहाँ पर। तो देखिए ऐसे ही आगे और भी है, देखो सेव एज के लिए हम कंट्रोल एस का यूज करते हैं, जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट सेव करना होता है तो देखो सेव ए अनदर कॉपी, जब हमें कोई एक अलग से नई कॉपी सेव करनी होती है तब हम कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज करते हैं, अंडरलाइन के लिए हम कंट्रोल यू शॉर्ट की यूज करते हैं, और कंट्रोल वी का यूज हम पेस्ट करने के लिए करते हैं। देखो ये आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पेस्ट स्पेशल की, तो देखो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट भी, जो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू उसके लिए यूज करते हैं, जो कट के लिए कंट्रोल एक्स यूज करते हैं, कंट्रोल वाई का यूज हम रेडो यानी लास्ट एक्शन पे वापस जाने के लिए करते हैं, यानी जब भी आपको कोई रिपीट करनी होती है लास्ट एक्शन तब हम जो है कंट्रोल बाई का यूज करते हैं, अंडो यानी पिछली एक्शन पे जाने के लिए हम जो है कंट्रोल जेड का यूज करते हैं, रिपीट एक्शन इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट बाई का यूज करते हैं, फिर
सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये दोनों शॉर्ट की आपसे एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। और साथ में ये देखो, ये फुल स्क्रीन, ये तीनों को आपको अच्छे से रट लेना है। तो देखो, सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है ऊपर अपर साइड में लिखना, सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे लिखना। तो देखो, सब स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट बी का यूज करते हैं और सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट पी का। देखो, कंट्रोल शिफ्ट पी यूज करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट होगा, और कंट्रोल शिफ्ट बी का यूज करेंगे तो सब स्क्रिप्ट होगा। देखो, फुल स्क्रीन करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जे का यूज करते हैं, यानी कंट्रोल शिफ्ट और जे यूज करेंगे तो हम फुल स्क्रीन कर पाएंगे। तो अगली स्लाइड पे आ जाते हैं अभी हम। तो देखो, हेल्प के लिए हम यहाँ पे F1 का यूज करते हैं। देखो, ये फॉर्मूला बार आपको अच्छे से याद रखना है, इसके लिए ये शॉर्टकट कई बार पूछी गई है आपसे। तो देखो, F2 का यूज हम फॉर्मूला बार के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस F2 इंसर्ट फील्ड के लिए करते हैं। देखो, कंप्लीट ऑटो टैक्स के लिए हम F3 का यूज करते हैं। देखो, ऑटो टैक्स आपको याद रखना है अच्छे से। देखो, कंट्रोल F3 का यूज हम ऑटो टैक्स के लिए करते हैं। देखो, रिफ्रेश करने के लिए हमें जो है नॉर्मली, देखो कंप्यूटर में जो F5 का यूज करते हैं, लिब्रे ऑफिस में वही देखो नेविगेटर को शो या हाइड करने के लिए यूज होता है F5 शॉर्ट की के रूप में। देखो, गो टू पेज नंबर, इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट F5 का यूज करते हैं। स्पेलिंग चेक करने के लिए हम F7 का यूज करते हैं। ऑटो स्पेलिंग चेक के लिए हम शिफ्ट प्लस F7 का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस F10 का यूज हम शो फॉर्मेटिंग मार्क के लिए करते हैं। मैनेज स्टाइल के लिए हम F11 का यूज करते हैं। इंसर्ट नंबर लिस्ट के लिए हम F12 का यूज करते हैं। और देखो, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इंसर्ट टेबल। देखो, इसके लिए हम कंट्रोल प्लस F12 का यूज करते हैं और शिफ्ट प्लस F12 का यूज हम इंसर्ट बुलेट के लिए करते हैं। देखो, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है पेज ब्रेक का। तो देखो, पेज ब्रेक के लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये शॉर्ट की आपको याद रखनी होगी। अब देखो, हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी इसमें से हर पॉइंट से क्वेश्चन बनाए आपके एग्जाम में, तो इसे थोड़ा अच्छे से समझना। तो देखो, लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में जो फाइल का डिफॉल्ट नेम होता है वो अनटाइटल वन होता है, यानी जब भी हम लिब्रे ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं और अगर डॉक्यूमेंट को हम कोई नाम नहीं देते हैं तो वो अपने आप जो अनटाइटल वन के नाम से सेव होता है लिब्रे ऑफिस में। देखो, लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट फॉन्ट साइज देखें तो देखो, लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 12 का। मिनिमम फॉन्ट साइज होता है लिब्रे ऑफिस में 6 फॉन्ट का और मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है 96 फॉन्ट का। तो देखो, सबसे ज़्यादा फॉन्ट साइज लिब्रे ऑफिस में 96 फॉन्ट का होता है, सबसे कम 6 फॉन्ट का है और बाई डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो 12 फॉन्ट का होता है। देखो, लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में जो डिफॉल्ट लाइन स्पेस होता है वो 1 फॉन्ट का होता है यहाँ पे। अब देखो, लिब्रे ऑफिस कॉल में जो फॉन्ट साइज की बात करें, देखो जो कॉल के वो हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जगह यूज होता है और इसमें जो मिनिमम फॉन्ट साइज है
वो 8 पाउंड का होता है, और जो मैक्सिमम पाउंड साइज है वो 72 पाउंड का होता है। यानी काल्क में जो है मिनिमम पाउंड साइज 8 का होता है और मैक्सिमम 72 का होता है। अगर लिब्रे ऑफिस कॉल की बात करें तो इसमें दो प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। यहाँ पे रो और कॉलम की बात करें लिब्रे ऑफिस कॉल में, तो देखो एक्सेल की तरह यहाँ पे रो और कॉलम होते हैं। तो देखो यहाँ पे रो का नंबर होता है वो 10,48,576 होता है, और जो कॉलम की संख्या है वो 1,024 होती है सीट के अंदर। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी रो की संख्या इतनी ही होती है, लेकिन आपके जो कॉलम है वो वहाँ पे अलग होते हैं। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो आपके कॉलम है एक्सेल के अंदर वो 16,384 होते हैं। देखो रो की संख्या दोनों में बराबर है। देखो जो लिब्रे ऑफिस कॉल के यहाँ भी रो 10,48,576 है, और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है वहाँ भी उतनी ही रो होती है, लेकिन जो कॉलम है वो लिब्रे ऑफिस के कॉल में जो है 1,024 होते हैं, और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल होता है उसमें कॉलम की संख्या 16,384 होती है। ये ध्यान रखना अच्छे से। देखो लिब्रे ऑफिस कॉल में जो मैक्सिमम वर्कशीट है वो 10,000 तक हो सकती है। देखो लिब्रे ऑफिस कॉल में जो मिनिमम और मैक्सिमम जूम की बात करें तो देखो कॉल्क में जो मिनिमम जूम है वो 20% होता है, और जो मैक्सिमम जूम है वो 400% होता है। यहाँ पे देखो डिफॉल्ट फॉन्ट की बात करें तो देखो हमारे पास जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें जो डिफॉल्ट फॉन्ट है वो लिब्रेशियन सिरिफ होता है, और देखो राइटर के अंदर ही अगर फॉन्ट साइज की बात करें तो देखो यहाँ मिनिमम फॉन्ट साइज 6 पॉइंट का होता है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज 96 पॉइंट का होता है। देखो जो राइटर है वो हम एमएस वर्ड की जगह यूज करते हैं, और हमारे अगर ऑफिस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो एमएस वर्ड होता है वहाँ पे मिनिमम फॉन्ट साइज 8 का होता है और मैक्सिमम 72 का। तो देखो वर्ड में कितना होता है, मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम जो है आपका 72 पॉइंट का होता है, लेकिन आपका जो है राइटर में यहाँ पे मिनिमम 6 पॉइंट है और मैक्सिमम 96 पॉइंट का है। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में हम जूम की बात करें तो देखो यहाँ मिनिमम जूम 20% तक हो सकता है और मैक्सिमम जूम 600% तक हो सकता है इसमें। देखो अगर यहाँ इम्प्रेस की बात करें, और ये देखो इम्प्रेस हमारा जो है पावर पॉइंट की जगह यूज होता है, तो इसमें देखो मिनिमम फॉन्ट साइज इम्प्रेस में 6 पॉइंट का होता है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज 96 पॉइंट का होता है। देखो अगर हम इम्प्रेस में जूम की बात करें तो हम यहाँ मिनिमम 5% तक जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम 3000% तक। ध्यान रखना मैक्सिमम कितना, 3000% तक यूज जूम करके हम यहाँ देख सकते हैं इम्प्रेस में। तो चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। तो देखिए अब हमारा यहाँ प्रैक्टिस सेट शुरू होता है। तो अभी तक जो हमने थ्योरी के द्वारा जो समझा था वही सारी जो है क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट में। तो देखो यहाँ सबसे पहला आपके पास में क्वेश्चन आया है, देखो लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। तो देखो वर्ड प्रोसेसिंग, तो वर्ड प्रोसेसिंग हम क्या एमएस वर्ड के लिए यूज करते हैं,
और देखो लिब्रे ऑफिस में जो एमएस वर्ड की जगह यूज होता है वो कौन सा एप्लीकेशन है हमारा बताइए, कॉल्क है, इम्प्रेस है, ड्रॉ है या फिर राइटर है। तो देखो हमने यहाँ पढ़ा था अभी कि एमएस वर्ड की जगह पर लिब्रे ऑफिस में किसका यूज होता है, राइटर का यूज होता है। तो देखो लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, राइटर होता है। देखो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखो जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। तो देखिए अभी पीछे ही हमने पढ़ा था तो कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है यहाँ पे, तो देखो ये वाला होता है, देखो लिब्रेशन सीरीज। तो देखो लिब्रेशन सीरीज ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की कॉम्बिनेशन क्या है, यानी शॉर्ट की पूछ रहा है ये हमें कि लिब्रे ऑफिस जो राइटर है उसमें हम पेज ब्रेक किससे कर सकते हैं। तो बताइए क्या है इसकी शॉर्ट की, क्या इसकी शॉर्ट की शिफ्ट ए है, कंट्रोल प्लस सी है क्या, टैब है या फिर कंट्रोल प्लस एंटर है। तो देखो हमने पढ़ा था कि हम पेज को ब्रेक करने के लिए राइटर में कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए मुझे जल्दी से। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो देखो सारे फाइल एक्सटेंशन हमने पढ़े थे अभी। तो देखो राइटर का जो है फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो बताइए जल्दी से क्या है इसका आंसर। बताइए डॉट ओ डी एस है, डॉट ओ डी टी है, डॉट ओ डी पी है, डॉट डी ओ सी है। तो देखो डॉट डी ओ सी तो हो नहीं सकता, ये तो मैंने एम एस वर्ड का बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। अच्छा बाकी तीन में से अब बताइए कौन सा होगा इसका। तो देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में हमने डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या पढ़ा था, डॉट ओ डी टी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, डॉट ओ डी टी राइटर का जो है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। तो चलिए देखो कम से कम 40 के करीब स्लाइड है यहाँ मेरे पास और लगभग 30 के करीब मेरे पास क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होके आए, चाहे वो ट्रिपल सी का एग्जाम हो चाहे किसी अन्य कंपटीशन का एग्जाम हो, लिब्रे ऑफिस से आने वाले मोस्टली जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे जो है लगाए हुए हैं। तो लास्ट तक क्लास को देखिएगा और एक बार जो है अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी नए व्यूअर आए एक बार आप सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आगे जितनी भी क्लास आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सारे लोग फटाफट जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट लाइन स्पेस क्या होता है बताइए आप जल्दी से, 1 पॉइंट होता है क्या, 1.5 पॉइंट होता है क्या, 2 पॉइंट होता है या फिर 2.5 पॉइंट का होता है। तो देखो अभी पीछे ही हमने पढ़ा था कि राइटर में जो लाइन स्पेस है वो 1 पॉइंट का होता है,
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम क्या होता है, यानी जो हम राइटर में कम से कम कितना जूम कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो बताइए, 20% कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं, या फिर 15% कर सकते हैं। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो देखो, हमने क्या पढ़ा था, राइटर में हम 20% मिनिमम जूम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो देखो, शॉर्ट की पूछ लिया है और सारी शॉर्ट की अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो देखो, फॉर्मूला बार की शॉर्ट की बताइए जल्दी से। तो बताइए क्या F2 है, या फिर F4 है, F5 है, या फिर F6 है। तो देखो, फॉर्मूला बार के लिए शॉर्ट की होती है यहाँ पे F2। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, तो देखो फॉन्ट साइज आ गए, देखो अभी पीछे ही पढ़े थे हमने, तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पूछ रहा है। तो बताइए कितना होता है, 10 का होता है, 12 का होता है, 5 का होता है, या फिर 8 का होता है। तो देखो, अभी हमने पढ़ा था लिब्रे ऑफिस में जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो 12 फॉन्ट का होता है। तो जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा बताइए क्वेश्चन नंबर 9। देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज, तो देखो अधिकतम फॉन्ट साइज पूछ रहा है। तो देखो, अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है, 72 होता है क्या, 96 होता है, 70 होता है, या फिर 90 होता है। तो बताइए अधिकतम फॉन्ट साइज। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस में जो अधिकतम फॉन्ट साइज है वो 96 का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस कॉल। अब देखो, कॉल क्या है, हमारा एक्सेल की जगह यूज होता है इसमें, रो और कॉलम की संख्या बतानी है। और देखो, अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था। तो देखो कितने रो और कॉलम है। तो देखो, हमने यहाँ पे देखो कॉलम बताया था कि अलग होता है एक्सेल और जो है यहाँ पे कॉल में रो बराबर होती है। तो देखो, हमने कॉलम की संख्या 1024 थी, तो देखो ये वाला तो होगा नहीं। देखो यहाँ भी 1024 नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब देखो इसमें और इसमें बताइए। तो ये देखो क्या पूछ रहा है, रो और कॉलम। तो पहले आपको रो बतानी है, उसके बाद कॉलम। तो देखो, हमारे पास रो कितनी थी, 1024 थी, और कॉलम कितने थे, 10,48,576। तो ये देखो, ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन, तो इम्प्रेस का एक्सटेंशन पूछ रहा है। और ये इम्प्रेस हम जो है पावर पॉइंट की जगह पे यूज करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और प्रेजेंटेशन से ही आप समझ चुके हैं, देखो यहाँ पे PEC में आया है केवल। तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, .odp। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखो, नई स्लाइड लेने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो बताइए।
अच्छा चलिए मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, देखो मैंने ये ऑप्शन काट दिया, ये नहीं होगा, देखो ये भी काट दिया है मैंने, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन जो है सी और डी में बताइए क्या होगा, क्या कंट्रोल एम होगा या फिर कंट्रोल एन होगा। अगर आप कंट्रोल एन सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि कंट्रोल एन का यूज हम नई प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। अगर नई स्लाइड लेनी होगी हमें तो हम कंट्रोल एम का यूज करते हैं नई स्लाइड लेने के लिए, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखिए प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की, तो देखो स्लाइड शो करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं हम, आपको ये बताना है यहाँ पे, तो बताइए जल्दी से। तो देखिए F5 का यूज करते हैं या शिफ्ट F5 का यूज करते हैं, देखो ऑल्ट F5 है या ऑल ऑफ जी, तो देखो ये तो नहीं होगा बिल्कुल से, ऑल ऑफ जी तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब बाकी तीन में बताइए। तो देखो हम यहाँ पे स्लाइड शो के लिए F5 का यूज करते हैं शॉर्ट की के रूप में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, देखो इम्प्रेस में न्यूनतम और अधिकतम जूम साइज, तो देखो अभी पीछे ही हमने पढ़ा था इम्प्रेस यानी जो पावर पॉइंट की जगह पे लिब्रे ऑफिस में यूज होता है, तो इसमें न्यूनतम और अधिकतम जूम पूछा है, तो बताइए कितना होता है, 20 और 400% होता है क्या, 10 या 500% होता है क्या, 5 या 3 हजार% जूम होता है क्या, तो बताइए क्या है इसका सही आंसर। तो देखो मैंने बताया था कि हम मैक्सिमम 3000% तक इसको जूम कर सकते हैं, तो देखो 3000% हमारा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखो ये वाला ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, देखो इम्प्रेस में सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट की बतानी है यहाँ आपको, तो बताइए क्या कंट्रोल शिफ्ट बी है, कंट्रोल शिफ्ट पी है या कंट्रोल बी है या नन ऑफ दी, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखो मैं दो ऑप्शन आपके काट देता हूँ, देखो ये नहीं होगा इसमें, ये तो होगा ही नहीं, अब इन दो में बताइए। तो देखो हम किसका यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट के लिए, तो देखो कंट्रोल शिफ्ट बी यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो सब स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट बी का यूज करते हैं और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। अब देखो वही से ये रिपीट क्वेश्चन है शायद, वर्ड प्रोसेसिंग, तो वर्ड प्रोसेसिंग एमएस वर्ड की जगह पे यूज होता है, और ये क्या होता है इसमें, राइटर होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, देखो लिब्रे ऑफिस में स्प्रेड शीट क्या है, देखो स्प्रेड शीट यानी जो हमारे पास में एक्सेल शीट होती है, तो देखो एक्सेल की जगह पे हम लिब्रे ऑफिस में किसका यूज करते हैं, कॉल्क का यूज करते हैं, तो देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलिए, देखो लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, तो बताइए क्या कहते हैं पावर पॉइंट को हम लिब्रे ऑफिस में, क्या ड्रॉ कहते हैं, इम्प्रेस कहते हैं, कॉल कहते हैं, राइटर कहते हैं, तो बताइए। तो देखो इम्प्रेस
यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को हम इम्प्रेस कहते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं हम, तो किस पर चला सकते हैं ये? तो देखो लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है वो हम क्या मैक ओएस पे चला सकते हैं, क्या लिनक्स पे मशीन पे चला सकते हैं, क्या विंडो सिस्टम पे चला सकते हैं, या फिर हम जो है इन सभी पे चला सकते हैं? तो देखो मैंने पीछे आपको बताया था कि लिब्रे ऑफिस जो है एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपका कंप्यूटर और एंड्रॉयड दोनों पे काम करता है, यानी ये हम जो है लिनक्स पे भी यूज कर सकते हैं, विंडोज पे भी यूज कर सकते हैं और मैक सिस्टम पर भी यूज कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लिब्रे ऑफिस कॉल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? तो देखो यहाँ फाइल एक्सटेंशन बताना है आपको, तो बताइए यानी कॉल्क, कॉल्क यानी जो एमएस ऑफिस में हमारा एक्सेल होता है वही जो है एप्लीकेशन हमारा लिब्रे ऑफिस में कॉल्क कहलाता है। तो इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है बताइए? देखो डॉट ओडीपी है क्या, डॉट ODS है, डॉट ODD है, देखो डॉट ODT है, तो बताइए क्या है इसमें? तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा ODDD, ये तो हमने नहीं पढ़ाता है। देखो डॉट ODP ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या था हमारे पास में इम्प्रेस का था, देखो पी आया यानी प्रेजेंटेशन। देखो ये नहीं होगा, ODT देखो राइटर का था हमारा, तो देखो यहाँ पे हमारे पास में इसका जो फाइल एक्सटेंशन है देखो डॉट ODS होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको प्रैक्टिस सेट? देखो सारे क्वेश्चन वही है जो हमने थ्योरी में पढ़े थे उसी से बनाए गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक बार जितने भी लोग हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चन। तो लिब्रे ऑफिस कॉल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? तो देखो ये हमने अभी पीछे ही पढ़ा था, देखो दो प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं कॉल्क में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन 22। लिब्रे ऑफिस कॉल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है? तो देखो कितनी वर्कशीट हो सकती है, 256, 1028, 10,000 या नन? तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं है इसका, चलिए ये भी नहीं है मैंने काट दिया, अब इन दो में बताइए। तो देखो हमने पीछे पढ़ा था कितनी हो सकती है, 10,000 वर्कशीट हो सकती है इसके अंदर। तो देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो देखो ये क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स के रूप में है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए देखो अधिकाधिक फाइल प्रारूप डॉट ODT है, अब ये है या नहीं ट्रू फॉल्स ये आपको बताना है। तो देखो लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछा है, और देखो राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है डॉट ODT होता है, तो ये देखो क्या है बिल्कुल ट्रू है। तो देखो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 24। देखो लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल, तो पेस्ट स्पेशल कैसे कहते हैं इसकी शॉर्ट की पूछी है। तो देखो अभी पीछे ही हमने पढ़ी थी आपको याद होगा अच्छे से,
तो देखो इसकी जो पेस्ट स्पेशल के लिए हम क्या है कंट्रोल शिफ्ट और वी का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट वी होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा इसमें बताइए, देखो लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं, तो बताइए कंट्रोल शिफ्ट ऐप का यूज करते हैं क्या, या फिर कंट्रोल शिफ्ट ऐप का यूज करते हैं। देखो ये ऑप्शन रिपीट हो गया है यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट जे का यूज करते हैं क्या, तो देखो ये नन तो नहीं होगा इसमें, ये दोनों देखो सेम ऑप्शन है रिपीट हो गए और ये होंगे भी नहीं इसमें। देखो तो देखो हम यहाँ पे फुल स्क्रीन के लिए यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है।